Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional Trade Strategy is a copyright content of IFMC. Good morning and welcome to the episode of Taiyari Agle Saptah Ki. Dosto, last week humne baat kari thi aapke saath candle charts ke upar, candle se kuch baat karne ki koshish kari thi aur usme humko ye samajh mein aaya tha ki candles kuch keh rahi hain. और वो ये कह रही थी कि मार्केट में निफ्टी कुछ बड़ा करने की फिराक में है. और मुझे याद है पिछली बार की वीडियो का टाइटल भी यही था कि निफ्टी कुछ बड़ा करने की फिराक में. हाँ दोस्तों, ये केवल कहने की चीज़ें नहीं हैं, ये अगर हम फोरकास्ट करते हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है. और शायद ये जो एपिसोड है तैयारी अगले सप्ताह का, ये एक माध्यम है कि हम इससे जो कैंडल्स से मैं समझ पाता हूँ या हमारी टीम समझ पाती है वो हम आप तक पहुँचा पाएँ. मुझे नहीं पता ये कितना सही होगा कितना गलत होगा, लेकिन हाँ केवल ये प्रयास है कि जो मेरा अपना 30-35 साल का तजुर्बा है उसमें मैं कैंडल्स को कैसे देखता हूँ, कैंडल्स मेरे से क्या बात करती हैं, वो मैं जस्ट आपके साथ शेयर कर सकता हूँ और करता हूँ. हाँ, लिंक आप लोग कर सकते हो कि वो कितना सही और कितना गलत है. लास्ट वीक जो हमने बात करी थी कि निफ्टी कुछ बड़ा करने की फिराक में, रीज़न यही था, मैंने आपको बताया था कि कंसोलिडेट करके निफ्टी के जो तीनों लेवल्स थे मंथली वीकली डेली वो बहुत क्लोज आ चुके थे. और निफ्टी के अंदर अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं उसके अंदर क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है पिछले 3-4-5 दिन की कैंडल्स पे. तो अब क्या हुआ, दोनों बातें, कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है और निफ्टी में कुछ बड़ा हो सकता है. बड़ा मतलब कुछ भी, नीचे की साइड भी और ऊपर की साइड. अब हुआ क्या, पिछले हफ्ते निफ्टी के अंदर 900 पॉइंट का मूव आया. अब आप कहेंगे सर 900 पॉइंट का मूव कैसे आया. देखिए, जब मार्केट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीन दिन मार्केट खुला, फर्स्ट चले काम करते हैं, चार्ट पे चलते हैं, बेटर वे में समझा पाऊंगा कि क्योंकि चार्ट की बातें तो चार्ट के साथ ही करनी चाहिए. तो मैं आ गया हूँ डेली चार्ट्स के ऊपर. ये पहली 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 कैंडल्स जो हैं ये पिछले वीक की कैंडल हैं. थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं, हमने पिछले वीक कुछ ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करी थी कि मार्केट में जो लेवल्स हैं वो बहुत क्लोज आ गए हैं तीनों मंथली वीकली डेली. और इसके अलावा कहीं ना कहीं बार बार हमको मार्केट के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिली थी, जो लग रहा था कि कहीं डिस्ट्रीब्यूट, अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो जो नए लोग हैं उनको बता दूँ, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि मार्केट में जो बड़े लोग हैं वो मार्केट को में माल थोड़ा सा सेल कर रहे हैं ताकि उनको लगता है कि मार्केट नीचे आएगा. तो इसको जो वो डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं कि भाई मार्केट में बेच दिया नीचे आएगा तो वो फिर ले लेंगे. तो यहाँ हमको डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट वीक देखने को मिली थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया था. अब हुआ क्या, ये हमारी मंडे की कैंडल इस वीक की. मंडे को भी फिर से थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन हुई, ट्यूसडे को मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लेके गए, लेकिन हमारे जो लेवल हैं रेजिस्टेंस 22,214 का जो रेजिस्टेंस लगवाया था उसके ऊपर मार्केट नहीं जा पाया. यानी कि मार्केट के अंदर अभी भी कोई बड़ी चीज़ नहीं हुई. और क्या हुआ उसके बाद, ये रही वेडनेसडे. वेडनेसडे को 22,200, ये 22,200 के लेवल थे और हम सीधा आ गए कहाँ पर, करीब करीब 22,000 के लेवल पर. और उसके बाद अगले दिन जो है करीब 21,800 के लेवल तक हम आ गए. तो करीब करीब 400 पॉइंट निफ्टी, 400 पॉइंट निफ्टी का मतलब हो गया 4 × 12, करीब करीब 1200 से 1300 पॉइंट सेंसेक्स साफ हो गया दो दिनों के अंदर. ये देखिए, ये था डिस्ट्रीब्यूशन. अब उसके बाद ये है हमारी फ्राइडे की कैंडल. फ्राइडे को क्या हुआ, मार्केट में धीरे से ओपन ऊपर हुआ गैप अप और धीरे 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 कंसोलिडेशन करके वापस मार्केट ऊपर की तरफ और नया हाई तोड़ के करीब बंद हो गई यहां पर 22,300. तो क्या हुआ, पहले हम 400 पॉइंट नीचे आए और उसके बाद नीचे 21,800 से 22,300, 500 पॉइंट वापस ऊपर. तो 400 पॉइंट नीचे, 500 पॉइंट ऊपर, 900 पॉइंट की एक बड़ी मूव निफ्टी को देखने को मिली. और फाइनली हम जो है वो
जो हमारे जो टोटल हाई था, जो ऑल टाइम हाई था, उसको भी क्रॉस करके मार्केट बंद हो गया। तो दोस्तों, ये जब मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ, हमारा मोटिव यही होता है कि ये चीज़ें हम आपके साथ शेयर कर पाएँ। कैंडल्स कुछ ना कुछ बोलती हैं, मैं कई बार बोल चुका हूँ, कैंडल्स बात करती हैं। वो क्या बात करती हैं, उनकी क्या लैंग्वेज है, वो आपको समझ में आनी चाहिए। और शायद UDTS के माध्यम से हम डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ते हुए, चाहे वो मंथ, वीक, डे, किस तरह से हम उसके अंदर डिमांड को निकालते हैं, और फाइनली हम ये फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी करना क्या चाह रही है। तो फाइनली, जो पिछली बार एक बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हमारे यूट्यूब के ऊपर और मेल्स के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर आ रहे हैं कि सर ये आपने कैसे निकाला और ये कैसे हुआ कि जब आपने बोला कि निफ्टी जो है कुछ बड़ा करने की फिराक में, तो उसी हफ्ते के अंदर हमको 900 पॉइंट देखने को मिल गए और नया जो हाई है वो भी क्रॉस हो गया। दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है। केवल और केवल आपको चार्ट की लैंग्वेज को समझना है, उनसे बात करनी है। घंटों बैठा रहता हूँ चार्ट्स के आगे। सुबह अगर 9 बजे मार्केट 9:30 बजे खुली है, 3:30 बजे तक चार्ट्स हिलते नहीं हैं, और उसके बाद भी शाम को दोबारा से उन्हीं चार्ट्स को दोबारा खोल के देखना, ये आज का नहीं, पिछले 30 साल का मेरा एक नियम बना हुआ है। करना है तो करना है, तो बस प्यार है। तो ये प्यार जो है वो बेसिकली मैं शेयर कर देता हूँ यहाँ यूट्यूब अपने चैनल के ऊपर। तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि किस तरह से हम चार्ट्स को पढ़ते हैं। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तैयारी अगले सप्ताह की। अगर मैं ओवरऑल बात करूं, न्यूज़ एंड डेटा अभी भी पॉजिटिव है। GDP का बहुत बढ़िया डेटा आया है, तो न्यूज़ एंड डेटा के हिसाब से तो मार्केट पॉजिटिव ही है। चलिए जल्दी से चलते हैं UDTS मॉनिटर के ऊपर और देखते हैं मॉनिटर क्या बोलता है टेक्निकली, कि निफ्टी के अंदर क्या डिमांड है या सप्लाई है, और कुछ बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जरा मॉनिटर के ऊपर। चले नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रेटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया, तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। कॉल 9870510511 और विजिट www.ifmcinstitute.com। तो मैं आ गया हूँ UDTS मॉनिटर के ऊपर। मॉनिटर में सबसे पहले निफ्टी सेंटीमीटर हमको शो कर रहा है। घड़ी डायरेक्ट पूरे की पूरी डार्क ग्रीन जोन, यानी कि मंथली, वीकली, डेली तीनों के ऊपर ही हम एक अच्छे डिमांड जोन में बने हुए हैं। तो ये है ओवरऑल निफ्टी की पोजीशन। चलिए नोट करते हैं फटाफट निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स, लेकिन उससे पहले फटाफट जरा सेक्टर नोट कर लीजिए, जरा देखें कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें डिमांड है। ये हम गए सेक्टोरल एनालिसिस। सेक्टोरल एनालिसिस क्या कह रहा है? सेक्टोरल एनालिसिस इस समय सबसे कह रहा है सबसे ज़्यादा डिमांड है बैंकों में। दूसरे नंबर पर जो डिमांड है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज, ये फाइनेंशियल सर्विसेज। तीसरे नंबर पे जो सेक्टर है जिसके अंदर डिमांड दिख रही है वो है पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसके अंदर डिमांड बनी हुई है, और बेसिकली हमको क्या फ़ायदा मिलता है अपनी ट्रेडिंग के अंदर, जब हमको पता होता है कि कौन से सेक्टर में डिमांड है वो आपको पता है, यहाँ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली हमको ये पता लग जाता है कि ये सेक्टर भी बुलिश है, अगर उसके जो कुछ स्टॉक्स हैं उनमें भी अगर डिमांड है, तो दोनों तरफ से हमको एक यूनिडायरेक्शनल फोर्स मिलती है जो शायद हमारी प्रोबेबिलिटी टू विन को और बढ़ा देती है। ये निफ्टी के लेवल्स, निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 22,048.30 रुपये। वीक के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है और सपोर्ट है 22,169.20। मंथ के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 21,780 रुपये। तो निफ्टी डेली, वीकली, मंथली तीनों के ऊपर अपवर्ड है। नोट करें जरा बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 46,218। वीक के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 46,615.85 रुपये। और मंथ के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 44,580.15 रुपये। तो इस बार निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही अपने
तीनों ही इंटरवल्स के ऊपर एक अच्छी डिमांड दिखा रही है। तो चलिए फाइनली चलते हैं कंक्लूजन। पिछली बार का कंक्लूजन तो हो गया था, वो आपने देखा भी। अब बात आती है सर अगले हफ्ते क्या होगा, क्योंकि इस बार तो बड़ा जबरदस्त गैप बना हुआ है। तो चलें जरा देखते हैं। कोई बात नहीं, मंथ के ऊपर सपोर्ट है 21,780, वीक का सपोर्ट है 22,048 रुपये और डे का सपोर्ट है 22,070 रुपये। आज सैटरडे था, आज दो घंटे की एक डेढ़ घंटे की मार्केट हुई है और उस मार्केट के अंदर कोई खास बात नहीं थी। टेस्टिंग फेज चल रहा है, एनएससी बीच बीच में सैटरडे को मार्केट अभी खोल रही है। तो आज एक छोटी सी कैंडल आपको जो दिख रही है, ये सैटरडे की कैंडल है। आप चाहें तो इसको मान लें, चाहें तो इसको इग्नोर कर दें, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन हाँ, हमको ये ज़रूर पता है कि हम यहाँ पर करीब 22,300 के लेवल पर रुके हुए हैं और हमारे पास अब सीधा सपोर्ट है 22,170। तो जितने भी इंट्राडे और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो बिल्कुल ध्यान रखें, अगर मार्केट 22,170 के ऊपर है और साथ में इंट्राडे पैरामीटर्स ऑफ यूडिटीएस अगर वो भी बुलिश हैं तो आप डिमांड साइड में काम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या रखना है, बिगेस्ट ट्रेंड का जो ओपन है जैसे यूडिटीएस में आपको पता है वो रख सकते हैं। शॉर्ट पोजिशनल वालों के लिए 22,170 रुपये का एक मेजर सपोर्ट है। इसके अलावा पोजिशनल ट्रेडर जो हैं वो 22,048 रुपये को मेजर सपोर्ट रखेंगे। लॉन्ग पोजिशनल वाले जो हैं 21,780, उनके लिए एक अच्छा मौका क्यों हो गया, क्योंकि अब 21,800 और 22,300 केवल 500 पॉइंट का डिफरेंस है मंथ के ऊपर, तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। जब हम निफ्टी 22,000 की बात करते हैं, इस समय निफ्टी 22,000 के लेवल हैं, तो 500 पॉइंट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर हम लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करते हैं, एक जो पहले हमारा रिस्क था कि मंथ लेवल बहुत नीचे था, अगर मार्केट नीचे आता है तो सारा प्रॉफिट जो है वो वाइप ऑफ हो जाएगा, तो अब शायद वो फायदा एक लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर को मिलते हुए दिख रहा है, क्योंकि उसका जो सपोर्ट लेवल है वो काफ़ी ऊपर आया हुआ है। तो एक कहते हैं ना कि अगर सपोर्ट बहुत ज़्यादा दूर है तो डर लगता है गिरने से चोट लग जाएगी, लेकिन हाँ अगर सपोर्ट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है तो शायद गिरने से इतना डर नहीं लगता। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद है एपिसोड पसंद आ रहा है। लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, और जो लोग भी आपके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, उनको स्टॉक मार्केट में कुछ इंटरेस्ट है, ये वीडियो ज़रूर शेयर करते रहें ताकि वो हमारे साथ जुड़े रहें और हम जो भी कुछ कोशिश हमारी रहती है स्टॉक मार्केट लर्निंग को हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे हैं जो स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि यार स्टॉक मार्केट में पता नहीं हम क्या क्या कर सकते हैं, तो बिना लर्निंग के काम ना करें। मेरी हाथ जोड़ के मेरे सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, पिछले 10-12 सालों से लगातार खड़ी तेज़ी चल रही है और कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता, तो बहुत संभल के काम करें और बिना फाइनेंशियल एडवाइज़र या बिना किसी आपके जो भी नॉन लोग हैं जिनको फाइनेंशियल स्टॉक मार्केट के नॉलेज हो, उनके बिना आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है और बहुत संभल के काम करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं? तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है, मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC इज नाउ अ स्कूल ऑफ 10 मिलियन लर्नर्स अवार्डेड ट्वाइस बाय दिल्ली सिटी आइकॉन अवार्ड्स। सो लेट्स बिगिन यूडीटीएस ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC।